ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में कराया था। आपको बता दें कि मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए की लागत खर्च की थी, जो कि आज के करीब 830 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 53 अरब रुपए के करीब हैं। इस खूबसूरत इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं। और कई पत्थरों की यह भी खासियत है कि यह चांद की रोशनी में चमकते हैं, तथा इस इमारत की दीवारों पर पवित्र कुरान की कई आयतें भी लिखी गई हैं। इस खूबसूरत इमारत के चारों कोनों पर करीब 40 मीटर ऊंचाई वाले सुंदर मीनारे बनी हुई है, जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देती हैं। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। ताजमहल आगरा में स्थित एक मकबरा है, जिसकी सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसकी खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ताजमहल हर वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक विदेशी होते हैं। आगरा में स्थित ताजमहल एक ऐसी लकड़ी के आधार पर बनाया गया है, जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है, और ये नमी यमुना नदी बरकरार रखती है। इस विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर के बाईं तरफ मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थरों से एक शानदार मस्जिद भी बनवाई है। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण काम 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी कमियों का ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि इसके निर्माण के इतने सालों बाद भी लोग इसकी खूबसूरती के दीवाने हैं। ताजमहल बनाने का काम वैसे तो 1663 ईस्वी में ही पूरा हो गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और लग गए। इस तरह यह ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी कुशल रणनीति के चलते 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। शाहजहां स्थापत्य कला और वास्तुकला का गूढ़ प्रेमी था, इसलिए उसने अपने शासन काल में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया था, जिसमें से ताजमहल उसकी सबसे प्रसिद्ध इमारत है। ताजमहल दुनिया के सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को अमर रखने के लिए इस मकबरे का निर्माण कराया था। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। ताजमहल को बनाने के लिए करीब 9 अलग अलग देशों से सामान लाया गया था, और इसकी निर्माण सामग्री ढोने के लिए करीब 1500 हाथियों का सहारा लिया गया था। सन 2000 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक द्वारा दाखिल अर्जी रद्द कर दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि एक हिंदू राजा ने ताजमहल बनवाया था। 1631 ईस्वी में बीवी मुमताज जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं शाहजहां अपनी प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया, और इसके बाद वह काफी गमगीन रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला लिया था, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए इसे शाहजहां और मुमताज के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है।